हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये मैंने एक व्लॉग एंड किया जो कि आपने लास्ट व्लॉग देखा ही होगा, नहीं देखा तो उसको पहले देखना। हम आए थे पूरा हांसी से यहाँ तक, अभी हम हैं चंडीगढ़ में, मोहाली में। तो यहाँ पे हम अपनी कार की डिलीवरी लेने के लिए आए हुए थे। फिलहाल अभी हमारी कार रेडी हो रही है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह, कुछ मतलब पार्ट्स हमको लगवाने थे एक्स्ट्रा, वो हो रहे हैं, उसके बाद हम डिलीवरी लेते हैं। हम यहाँ पहुँच गए थे 12 बजे और अभी 4 बज चुके हैं, तो अराउंड 4 घंटे हमको यहाँ पे हो गए हैं। खाना भी खा लिया है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, सब कुछ डन है, बट बस थोड़े बहुत पार्ट लग रहे थे ना, वो हो रहे हैं। तो तीनों भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कार के लिए, फर्स्ट कार, और फर्स्ट कार सीधा हमारी इनोवा। तो लेकिन चलानी नहीं आती। हाँ, चलानी किसी को नहीं आती फैमिली में, मतलब उसको खड़ी करके रख देंगे, चलाएंगे, जो भी रहेगा सीख लेंगे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बट कार आ जाए। और बस फिलहाल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जल्दी से कार आती है और डिलीवरी लेते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। किसी तरह दो चॉइस हो, एक इनोवा एक फॉर्चुनर, व्हाट विल यू चूज? इनोवा। लुक देखिए इसकी, मैं तो फॉर्चुनर ही चूज करूंगा। तू? मैं फॉर्चुनर, ऑब्वियसली बात है यार, लुक तो देख तू इसकी। तो जो हमारी गाड़ी है वहाँ पे आएगी, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको कंग्रेचुलेशन वगैरह लिखा होगा, तो सारी डिलीवरी वहीं पे ही होती है। तो वेट कर रहे हैं कब आते हैं वहाँ पे, हम बड़े बड़े देखे जा रहे हैं, अब आएगी, बट आई नहीं रही है यार। अपने खुलता है? अरे वाह, इनोवा में नहीं ऐसा। बटन दबाओ, खुल जाती है, बंद हो जाती है। सही है, पीछे देख ले इनोवा वाले, वो इतना खोल के मत देखो रे, अच्छा नहीं लगता ऐसे, लोग सोचेंगे कैसे हैं ये। तो हमारे साथ है मिस्टर, क्या नाम है आपका? राजीव उप्रेती। मिस्टर राजीव उप्रेती, तो ये स्पेशली हमारे साथ आए हैं बिकॉज इनके पास भी इनोवा है, यही हमारी गाड़ी चला के ले जाएंगे घर तक। मेरे को तो गाड़ी के बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता, थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, सर को ही है, इसलिए हम सर को स्पेशली लेके आए, इन्होंने ही सारा कुछ देखा, अब मेरे को सिखाएंगे भी, यही सीधा इनोवा सीखेंगे हम सीधा। तो आज हमने टोयोटा वालों के चाय भी पी ली, कॉफ़ी भी पी ली, सैंडविच भी खा लिया, बस अब गाड़ी का इंतजार है यार। सिर्फ मैं चाय पी रहा हूँ, बाकी सब कॉफ़ी पी रहे हैं बिकॉज मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो गाइस सारा काम हो गया है, फिलहाल अभी केक मंगाया है और नींबू मंगाया है, बस वही रह गए, वो करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से, थोड़ा यहाँ केक कट करेंगे, फिर घर जाके दोबारा केक कट करेंगे पूरी फैमिली के साथ। तो अब बिल्कुल फाइनल हम जा रहे हैं कार के पास में, रेडी है बिल्कुल अच्छे से। फीचर क्या होते हैं मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा एफएम चल रहा था। तो गाइस बात ऐसी है, गाड़ी हमने ले तो लिया है बट लिटरली मेरे को एक फीचर भी नहीं था, ये बटन जो भी लगे हैं किस लिए यूज होते हैं, स्टीयरिंग आता है मुझे, चलानी तो आती है थोड़ी बहुत मुझे, ऐसी बात नहीं चलानी नहीं आती, बट सीखना पड़ेगा, वो जो सर है वो सिखाएंगे, बट इतना अच्छा लग रहा है ना इसके में बैठ, इतना कम्फर्ट है और चलाने में क्या मजा आएगा। है पीयूसी, पीयूष यहाँ बैठेगा, कभी साहिल बैठेगा, कभी पापा जी मम्मी, और यो भाई साहब कैसा लग रहा है? अरे एक नंबर, मतलब बेस्ट है। गियर हो गए इसके, देख इसमें देखिए खोल, ओ ये बॉटल होल्डर भी है, ये क्या है? वो लाइट जलाने का है, बॉटल यहाँ नहीं रखते, बॉटल वहाँ रखते हैं नीचे करने के लिए, वो पानी ठंडा करने के लिए, पागल एसी लगा, इसमें एसी लगा है, अरे वाह ठंडा है तो, कर दे बंद। और क्या है रे, ये भी खुलता है क्या? ओ भाई इसमें तो मैं अपने ड्राइंग मटेरियल रखूंगा, पेंसिल वेंसिल रखेंगे भाई इसमें तो। स्क्रीन कैसे बंद हो गई रे? स्क्रीन चल गई है। अभी देखो हमारी कार ऑन है, मुझे बंद करनी नहीं आ रही, बंद कैसे करते हैं चाबी? पहले घुमा दे एक बारी, घुमा के तो निकाल रहा हूँ यार, निकल ही नहीं रही, टूट ना जाए कहीं। तो गाइस बात ऐसी है, मुझसे एक चाबी निकल ही नहीं रही है। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है जो हम ये कार ले पाए। तो पेश है गाइस आपके सामने हमारी इनोवा क्रेस्टा, जो कि कुछ इस तरह की लग रही है, व्हाइट कलर में हमने बुक की थी और काफी प्यारी लग रही है, आगे से लुक देखो। और बाकी और तो मुझे कुछ पता नहीं है, मैं क्या ही बोलूं, पीयूष अंदर बैठा है, साहिल भी है एंड सर भी अंदर ही है, और जो साइड से लुक है वो कुछ इस टाइप की है, देखो काफी मस्त लग रही है। इसको बंद कैसे करते हैं? मुझसे बंद ही नहीं हो रही थी, कैसे बंद होती है? चाबी घुमा घुमा के पूरी ऐसे एक और घुमा के, अच्छा दो बार घुमा के निकाल दो, अच्छा अच्छा ठीक है। पीयूषी विश्वास हो रहा है? साहिल हो रहा है? मेरे को भी नहीं हो रहा। गाइस को बोलते जो लोग बोलते थे कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने नहीं कराई बुक। गाइस अब देखो ये क्या है, ये शोरूम वालों ने लेट कर दी ना, एक महीना पूरा। हाँ शोरूम वालों ने लेट कर दी, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो बुक कर दी थी। तो अभी अच्छे से एकदम क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद डिलीवरी होगी, डिलीवरी से पहले ही दिखा रहा हूँ यार मैं। चलो कोई बात नहीं, अपन सबसे अलग करेंगे, अपन सस्पेंस क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं लग रहा ना अपनी है, ऐसा लग रहा है पता नहीं किसकी है। चल नींबू लगाते हैं, 4 नींबू लगाएंगे टोटल।
दो नींबू हो गए, पीयूष ने एक लगा दिया, अब हल्की सी आगे करेंगे सारे नींबू पिचक जाएंगे। अरे वाह मस्त लग रहा है, क्रिस्टा लिखा हुआ ना। तो फाइनली फर्स्ट टाइम मैं अपनी कार में एंटर कर रहा हूँ, काफी अच्छा सा लग रहा है। अभी फोटो क्लिक की थी और अभी एक मिनट के अंदर देखो निकाल के भी दे दी और फ्रेम भी कर दिया, फ्रेम भी कर दिया, मतलब इतना फास्ट गुलाब टोयोटा। थैंक यू सो मच सर, ले लो। मैंने तो भाई बहुत खा लिया, सबने मेरे को खिलाया था, मैं नहीं लूंगा। अरे केक तो खा ले, पहले ही घुस गया। घुसा कैसे तू, ऐसे कैसे फोल्ड कैसे करते हैं इसको पीछे भाई? इसको तो आ गया, मेरे को तो आता ही नहीं है। तो अभी पूरे 5 बज चुके हैं और अब जाके हमको डिलीवरी मिली है, तो अब हम अराउंड रात को पहुँचेंगे 10-11 बजे तक, बट कोई बात नहीं, अब आराम से जाएंगे। और केक मैंने नहीं खाया बिकॉज सब मेरे को ही खिला रहे थे, तो मेरे को छिक गया इतने में। गाड़ी को भी देखो, कार को भी केक खिलाया हमने। ओह ये पूरी हो गई है, कचरा देंगे वो जा रहे यार लेट के बिल्कुल। तो गाइस फाइनली हम अपनी कार में अब जा रहे हैं घर की साइड। सबसे पहले तो हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं जो कि हमको मिल नहीं रहा, क्योंकि इसमें पेट्रोल तो होता नहीं है। तो टंकी फुल कराते हैं एक बार पहले और फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखो कितना कंफर्टेबल है यार, मतलब मजा ही आ गया। थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, मुझे लगता है डीजल गाड़ी है। हाँ डीजल है, ठीक है, पेट्रोल एक ही बात होगी। अरे हाँ सॉरी गाइस, डीजल गाड़ी तो डीजल डलवाएंगे। तो डीजल फुल हो गया गाड़ी में और मैप हमने लगा लिया है, अब चलते हैं घर। तो गाइस सामने देखो ये क्या है, ये कितना ओवरलोड कर रखा है, ये इसको ओवरटेक करने में भी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। ओ, 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 ओ। तो सामने है हमारा घर। तो अभी हो रही है पूजा गाड़ी की जो कि मम्मी जी कर रहे हैं। पीयूष आते ही गेम पे लग गया है। तो भाई तुम्हें कैसा लगा आज हमारे घर पे रह के? बहुत ही ज्यादा मस्त, बहुत मजे करे हमने। तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है हमारे घर में, अभी तो बाहर खड़ी हुई है क्योंकि पार्किंग में जो सर रहते हैं ना उनकी इनोवा खड़ी हुई है। और गाड़ी की चाबी मैंने मंदिर में रख दी है, भगवान जी को थैंक यू सो मच बोल दिया, प्रणाम कर दिया सब कुछ। बाकी जो प्रॉपर वाली पूजा है वो कल सुबह होगी, मंदिर में जाएंगे लेके गाड़ी को। और केक भी आ चुका है, मैंने गौरव भैया से मंगा लिया था, तो अभी थोड़ी देर में केक भी कट करेंगे सभी मिलके। सभी आ चुके हैं पूरी फैमिली। तो सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ गाड़ी कैसी लगी, बताओ कैसी लगी गाड़ी? बहुत बढ़िया। अरे पीयूष कहाँ है, पीयूष कहाँ है, पीयूषी ऊपर आ जा यार, क्या कर रहे तू? हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं। कोई तो गाइज अभी सभी जा चुके हैं, फुल नाचा फुल इंजॉय किया, मतलब मजा ही आ गया। अब जा रहे हैं डिनर करने के लिए, रात के बज रहे हैं 11:30। जीजा जी और पीयूष ने तो आज खतरनाक ही कर दिया, मैं शूट नहीं कर पाया ज्यादातर, बट जो मजा आया ना इन दोनों ने, मजा ही कर दिया। आप मैं सच्ची बता रहा हूँ, नागिन डांस दिल खुश हो गया, नागिन डांस हो गया, मतलब क्या ही नहीं कर दिया। और ऊपर से ओरियो बीच में मिक्स हो जाता है तो अलग ही तड़का लग जाता है। अभी टाइम हो रहा है 1:13 एंड मैं एडिटिंग कर रहा था थोड़ी बहुत की, और मेरे को इतनी तेज वाली नींद आ रही, झपकियाँ आ रही है, मुझसे कर ही नहीं जा रही गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब सो ही जाता हूँ, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाऊँगा। मैंने 5 बजे का अलार्म लगा लिया, 5 बजे उठ के मेरे पास 6-7-8 पूरे 3 घंटे होंगे एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करने के लिए।
बट अभी मेरे को समझ जरूरी है बिकॉज मुझसे एडिटिंग हो ही नहीं पा रही, थोड़ी बहुत मैंने ज़बरदस्ती करनी है बट आंखों से ना ऐसा कुछ हो रहा है, आप समझ सकते हो क्योंकि पूरा दिन भर कितना ट्रैवल किया है, 7 घंटे से भी ज़्यादा, फिर वहाँ पे गई शोरूम में, डिलीवरी ली, वहाँ पे वीडियो बनाए, व्लॉग बनाया, फिर आए घर में डांस किया, मतलब आज का पूरा दिन इतना हैक्टिक था, इतना टायर्ड हो गया ना मैं, पता नहीं नींद आ रही तगड़ी वाली, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ फिर उठ के एडिटिंग कर लूँगा, होपफुली सुबह 8 बजे व्लॉग आ जाए नहीं तो लेट हो जाएगा। और फिलहाल मेरे को हिम्मत नहीं आ रही कुछ बोलने की, इसीलिए इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, बाकी गाड़ी के अपडेट्स आप आने वाले व्लॉग्स में देख लेना, जो भी होगा सीखेंगे जो भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। I'm gonna go get some more.